आज जो टॉपिक करने वाले हैं, आज जो चैप्टर करने वाले हैं वो है डिसीजन मेकिंग। और डिसीजन मेकिंग एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, लेकिन थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। और एडवांस इसलिए क्योंकि इसके अंदर हमने कई सारे जो प्रीवियस टॉपिक हैं उससे रिलेटेड कंसेप्ट जो है वो यूज़ करने पड़ेंगे। जब हम डिसीजन मेकिंग करेंगे तो तीन टॉपिक इम्पॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करेंगे जो हमने ऑलरेडी किए हुए हैं। नंबर वन, कॉस्ट शीट। आपको कॉस्ट शीट की अवेयरनेस होनी चाहिए जिससे कि आप खर्चों का एनालिसिस कर सकें कि कौन सा खर्चा कहाँ पर होता है और उसे कैसे प्रेजेंट किया जाता है। नंबर टू, बजटरी कंट्रोल। जब हमने बजटरी कंट्रोल किया था तो हमने सीखा था कि फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन कैसे की जाती है, कैसे हम करंट डेटा को फ्यूचर के डेटा में कन्वर्ट करते हैं। फ्लेक्सिबल बजट, फिक्स बजट हम लोगों ने बनाए थे, डिफरेंट टाइप के एक्सपेंस बजट, सेल्स बजट हमने बनाए थे, वो सारे के सारे बजट हमारे इंपॉर्टेंट होंगे जब हम डिसीजन मेकिंग करेंगे। तीसरा, मार्जिनल कॉस्टिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। मार्जिनल कॉस्टिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग से हमें पता चलता था कि हमारे कौन से एक्सपेंस फिक्स होते हैं, कौन से एक्सपेंस वेरिएबल होते हैं, और फिक्स एक्सपेंस किस तरीके से बिहेव करते हैं, वेरिएबल एक्सपेंस किस तरीके से बिहेव करते हैं, कौन बदलते हैं, कौन नहीं बदलते हैं। ये तीन टॉपिक डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग के अंदर अपना रोल प्ले करने वाले हैं। और अगर आपको उन टॉपिक्स की नॉलेज है, अगर आपके वो टॉपिक तैयार हैं, तो इस चैप्टर में फिर आपके लिए कोई खास दिक्कत और परेशानी वाली बात नहीं है। ये टॉपिक आपके लिए आसान होने वाला है। बस एक टू द पॉइंट इसके अंदर क्रक्स समझ लेना, इंपॉर्टेंट बात समझ लेना, बस वो एक बात तुम्हें समझ में आ गई तो कोई भी क्वेश्चन में तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या है वो बात? वो बात ये है कि डिसीजन मेकिंग में हम सिर्फ डिसीजन के कारण होने वाले चेंजेस को कंसिडर करते हैं, दुनिया जहां की सारी बातों के ऊपर अपना फोकस नहीं रखते। सिर्फ उन्हीं बातों पे आप ध्यान लगाएंगे जो आपके डिसीजन के कारण चेंज हो रही हैं। अगर कोई फैक्टर, अगर कोई मैटर, अगर कोई वैल्यू आपके डिसीजन लेने और नहीं लेने से कोई उस पर फर्क नहीं पड़ रहा, वो वैल्यू उतनी की उतनी रहेगी, तो सिरे से खारिज कर देना, उसे हटा देना, उसका डिसीजन मेकिंग में कोई भी रोल नहीं होगा। इस चीज को थोड़ा सा और बेटर वे में समझ में आ जाए आपको, तो मैं अपनी तरफ से कुछ फिगर लेकर आपको बताता हूं कि डिसीजन मेकिंग आखिर डिपेंडेंट किस पे होती है। मैं कहता हूं से मेरी एक फैक्ट्री ऑलरेडी रन कर रही है। अब फैक्ट्री में चला रहा हूं तो कुछ तो सामान बेचता हूंगा, कुछ तो प्रोडक्ट बनाता हूंगा। मैं मान के चलता हूं से यहां पे हमारी एक एग्जिस्टिंग कुछ फैक्ट्री चल रही है, हम ऑलरेडी एक फैक्ट्री चला रहे हैं। जो हम फैक्ट्री चला रहे हैं उसके अंदर हमने एक प्लांट इंस्टॉल कराया हुआ है, और जो प्लांट हमने इंस्टॉल कराया हुआ है उससे 1,00,000 पीस बनाए जा सकते हैं, ये इसकी कैपेसिटी है। लेकिन हमारे पास जो डिमांड है वो सिर्फ 60,000 पीसेस की है, हम 60,000 पीस ही सिर्फ फिलहाल बना रहे हैं, और 60,000 पीस बनाने के लिए हमें कुछ खर्चे करने पड़ रहे हैं। जो 60,000 पीस से हमें सेल्स मिलती है, 60,000 पीस की सेल्स से 10 रुपये के हिसाब से एक पीस बेचते हैं, और 6,00,000 रुपये की हमारी सेल्स वैल्यू ऑलरेडी हमें अचीव हो रही है। इसके लिए हमारे खर्चे भी होंगे, एक हमारे वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं, दूसरे हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं। मैं मान के चलता हूं उसे वेरिएबल एक्सपेंस जो हमारे 60,000 पीसेस पे है वो 5 रुपये के हिसाब से हमें करने पड़ते हैं, और 5 रुपये के हिसाब से हमारा खर्चा हो जाता है 3,00,000 रुपये का। और हमारी फिक्स कॉस्ट है जो कि आउटपुट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है, वो खर्चा हमारा हो रहा है 2,00,000 रुपये का। ऐसे में हमारा प्रॉफिट कितना आएगा? यहाँ पे अगर हम चेक करें तो हमारा प्रॉफिट 1,00,000 रुपये आएगा। 6,00,000 रुपये के अंदर हमने सामान बेचा और 5,00,000 रुपये का हमारा खर्चा हो गया। अगर मैं तुमसे पूछूं मेरी पर यूनिट कॉस्ट कितनी पड़ी, तो आप कहोगे सर 5,00,000 रुपये का टोटल खर्चा हुआ और 60,000 पीस हमने बेचे। अगर मैं डिवाइड कर दूँ 5,00,000 डिवाइड बाय 60,000, तो मेरी कॉस्ट आ रही है ₹8.33। अब कोई हमारे पास आ गया और उसने कहा देख भाई हमें कुछ पीस की ज़रूरत है, तेरे जो 40,000 पीस तेरे पास बच जाते हैं जो तू बनाता ही नहीं है, वो 40,000 पीस मैं खरीद लूँगा। तुम दिल्ली में अपनी फैक्ट्री चलाते हो, जैसे चलाते हो चलाते रहो, मैं उसके अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं करूँगा। मुझे तुम बची हुई कैपेसिटी 40,000 के पीस दे दो जिसे मैं या तो एक्सपोर्ट करूँगा या तो दूसरी लोकेशन पर ले जाकर बेचूँगा। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें 10 रुपये वाला रेट तो नहीं दूंगा, मैं तुमसे बल्क में सामान खरीदूँ, इकट्ठा सामान खरीदूँ, मैं तुमसे ये सामान खरीदूंगा 6 रुपये पर पीस के हिसाब से, 6 रुपये दूंगा एक पीस के और ये सामान खरीदूंगा।
इस टाइप की प्रॉब्लम हमारे सामने डिसीजन मेकिंग क्या रहती है, जिसके अंदर हमें अभी फैसला करना है कि उसे सामान बेचना है या नहीं बेचना। अच्छे से समझ लेना, फिर से बता रहा हूँ कि जो डिसीजन होता है वो टोटल क्या हो रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। डिसीजन इस बात पे डिपेंडेंट है कि आप इस डिसीजन से क्या अचीव कर पाएंगे। तो मुझे जरा बताइए कि अगर मैं ये डिसीजन लूँ तो मैं नया क्या अचीव कर पाऊंगा। सिर्फ जहां पर चेंज होगा वही डिसीजन मेकिंग में ध्यान लगाया में कंसिडर किया जाएगा, सारी बातों को कंसिडर नहीं करेंगे। तो बताइए इस फैक्टर का, मैं बता दूं पहले, इस फैक्टर का डिसीजन मेकिंग से कोई कनेक्शन नहीं है कि यहाँ पे आपके पास रिजल्ट क्या है। कनेक्शन सिर्फ ये है कि जो आपको न्यू वर्क मिल रहा है, जिसके बारे में डिसीजन ले रहा है, उसमें क्या रिजल्ट आएगा। तो बताइए अगर मैं 40,000 पीसों से बेजोर 6 रुपए वाला भाव दे तो ये रिवेन्यू नया आएगा नहीं आएगा। इस रिवेन्यू से कोई मेरा वास्ता नहीं है। इस डिसीजन से कितना रिवेन्यू आएगा आपको, कैसे 40,000 मल्टीप्लाई बाय 6 और ये फिगर आएगी 2,40,000। वेरिएबल एक्सपेंस 5 रुपए पर यूनिट था, 5 रुपए पर यूनिट था। 40,000 पीस अगर मैं बेचता हूं तो मेरा रिवेन्यू एक्सपेंस कितना, ये वेरिएबल एक्सपेंस कितना हो जाएगा, 2,00,000 रुपए। ये भी मुझे खर्च करना पड़ेगा। लेकिन मेरा सवाल है क्या फिक्स एक्सपेंस भी मुझे फिर से खर्च करने पड़ेंगे? नहीं, फिक्स एक्सपेंस आउटपुट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। मैं कम सामान बेचूं, मैं ज्यादा सामान बेचूं, मेरे फिक्स एक्सपेंस ऑलरेडी मैं कर ही रहा हूं, चाहे मैं डिसीजन लूं या डिसीजन नहीं लूं, ये मेरा खर्चा चेंज होने वाला नहीं है। तो मैं इसे यहां पर निल कंसिडर करूंगा, बस यही इसके अंदर मेन पॉइंट है। और अगर आप ध्यान से देखें तो इस डिसीजन ने मेरे को 40,000 रुपए का प्रॉफिट दे। इधर आप देखेंगे तो मिसलीडिंग आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, यहाँ पे आपकी कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है, 8 रुपए 33 पैसे। आप सिरे से सोचेंगे कि 6 रुपए के हिसाब से अगर सेल हमारी होती है तो हमें तो नुकसान होगा, लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि आपका ये जो 2,00,000 रुपए का खर्चा है ये नहीं होगा, जिससे आपकी यहाँ पर जो पर यूनिट कॉस्ट है सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपए की पड़ेगी और सेल वैल्यू 6 रुपए की अगर आपके पास आती तो हर एक पीस जो आप बेचेंगे उससे आपको 1 रुपए का प्रॉफिट होगा। टू द पॉइंट अगर मैं बात करूं, डिसीजन मेकिंग में सिर्फ मार्जिनल रिवेन्यू, मार्जिनल का मतलब जो एक्स्ट्रा सेल होगी उससे कितना रिवेन्यू आएगा वो कंसीडर किया जाएगा, और जो हमारे एक्स्ट्रा एक्सपेंस होंगे सिर्फ उन्हें कंसीडर किया जाएगा। कोई भी खर्चा अगर फिक्स खर्चा बदलेगा तभी यहां पे आ सकेगा। कोई भी खर्चा अगर डिसीजन से कनेक्टेड नहीं है, डिसीजन ले या डिसीजन ना ले उसमें कोई फर्क अगर नहीं पड़ता तो वो डिसीजन मेकिंग के अंदर कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो हम जब भी कोई क्वेश्चन है हमें बस इस बात पे फोकस करना है कि इस डिसीजन से कौन कौन सी चीजों में फ्लक्चुएशन होगा। जिस भी वैल्यू में फ्लक्चुएशन होगा सिर्फ उसी वैल्यू से डिसीजन मेकिंग की जाएगी। हाँ, अगर लेकिन आप एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ये तो बात थी एग्जिस्टिंग की, अगर आप कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करते वक्त आपको फिक्स एक्सपेंस भी नए सिरे से करने पड़ते हैं, इसलिए वो भी कंसिडर किए जाएंगे। मतलब एग्जिस्टिंग के केस में सिर्फ वेरिएबल का रोल है और अगर न्यू सेटअप करते हैं तो फिक्स एक्सपेंस भी रोल प्ले करेंगे। कैसे सारी चीजें होती है अब इसको हम इलस्ट्रेशन और एग्जांपल से समझेंगे। इतनी बात आप लोगों को क्लियर है पहले? अब एक प्रॉब्लम से समझेंगे किस तरीके से डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट किया जाता है, और समझाने के लिए जो प्रॉब्लम मैं यूज करने वाला हूँ वो प्रॉब्लम नंबर 6.2 है आपकी बुक में, जिसमें एक्सपोर्ट ऑर्डर से रिलेटेड एक प्रॉब्लम आएगी। कंसेप्ट मैं आपको बता ही चुका हूँ कि हमारा जो भी डिसीजन है वो ये जो न्यू ऑर्डर हमें मिलने वाला है उसके कारण कितना रिवेन्यू जनरेट होगा और कितने हमारे खर्चे होंगे सिर्फ उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, एग्जिस्टिंग का कोई भी रोल नहीं होगा। यहाँ पर लिखे स्मार्ट एक्सपोर्ट लिमिटेड इज प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग 20,000 ऑफ इट्स प्रोडक्ट इन होम मार्केट एट ए प्राइस ऑफ ₹60 पर यूनिट। द पर यूनिट कॉस्ट इज एज फॉलोस। एक कंपनी 20,000 एग्जिस्टिंग यूनिट जो है वो मार्केट में बेच रही है और 60 रुपये उसका सेल प्राइस है। पहली बात, ये जो एग्जिस्टिंग है उसका कोई रोल नहीं है, बट एक्सप्लेन करने के लिए मैं उसको यहाँ पे शो करने वाला हूँ कि हमारी एग्जिस्टिंग क्या पोजिशन है। तो यहाँ पर सबसे पहले पर्टिकुलर्स और एग्जिस्टिंग हम बेचने वाले हैं 20,000 यूनिट्स जो एग्जिस्टिंग है, जिसका रियलिटी में कोई रोल भी नहीं होगा, मैं सिर्फ यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए रहा हूँ। हम सेल्स कर रहे हैं एट द रेट ऑफ ₹60 पर यूनिट और 20,000 पीसीज अगर हम बेचें तो इससे जो सेल्स वैल्यू हमारी अचीव हो जाती है वो हो जाती है 12,00,000 रुपए। इसको बनाने के लिए हमें खर्चे भी करने पड़ेंगे, इसको मैं कैटेगरी बोल देता हूँ, इसको एक कॉलम नंबर रॉ नंबर ए कर देते हैं, अलग कर लेते हैं इसको, और बात कर लेते हैं अब कॉस्ट की।
कॉस्ट हमारी क्या होती है? कॉस्ट हमारी दो टाइप की हो सकती है, फिक्स हो सकती है, वेरिएबल हो सकती है, जो कि मार्जिनल कॉस्टिंग हमने सीखा था। यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट मटेरियल हमारा 10 रुपये का लगता है और डायरेक्ट लेबर हमारी 7 रुपये की लगती है। तो यहाँ पे सबसे पहले कॉस्ट में वेरिएबल की बात कर लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट क्या क्या है? एक तो इसमें मटेरियल है, दूसरा लेबर है। मटेरियल जो हमारा लगता है 10 रुपये पर पीस लगता है और लेबर जो लगती है वो 7 रुपये पर पीस लगती है। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये फिगर हमारे पास जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2 लाख रुपये और ये फिगर हो जाएगी हमारे पास 1,40,000। उसके बाद इसके अंदर फैक्ट्री के एक्सपेंस भी फिक्स भी हैं और वेरिएबल भी हैं। चलिए फैक्ट्री के भी वेरिएबल एक्सपेंस जो है उनको ले लेते हैं खाली, पहले फिक्स की बात अलग से करते हैं। जो हमारे वेरिएबल फैक्ट्री एक्सपेंस है वो ले लेते हैं, वेरिएबल फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो कि यहाँ पे 4 रुपये के हिसाब से लगते हैं। 4 रुपये के हिसाब से 80,000 का खर्चा और हो गया। और वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस भी है, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस जो कि यहाँ पर 3 रुपये पर पीस के हिसाब से लगते हैं और ये ₹60,000 हो गए। इतना खर्चा हमारा वेरिएबल नेचर का हो गया। वेरिएबल कॉस्ट जो टोटल है उसे बी नाम दे देते हैं। अगर इन सबको मैं ऐड करूं तो ये फिगर हमारी हो जाएगी 4,80,000। अगर मैं माइनस करूं अपने सेल्स की वैल्यू में से तो मुझे कंट्रीब्यूशन मिल सकता है। कंट्रीब्यूशन होगा सी जो कि ए माइनस बी करके आएगा। आपने मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या हुआ है और अगर डिफरेंस निकाला जाए इसमें तो ये 7,20,000 हो जाएगा। इसके बाद हमारी फिक्स कॉस्ट होती है। फिक्स कॉस्ट इसके अंदर देखें तो दो हमें बताई गई हैं, एक तो फैक्ट्री की, दूसरा इसके अंदर सेलिंग की है। फैक्ट्री की जो फिक्स कॉस्ट हमें बताई गई है वो बताई गई है 12 रुपये पर यूनिट और 12 रुपये के हिसाब से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फिगर हमारी होती है 2,40,000। और सेलिंग जो हमें फिक्स कॉस्ट बताई गई है वो इस क्वेश्चन के अंदर बताई गई है 6 रुपीज़ पर यूनिट। अगर कैलकुलेट करें तो 1,20,000 और इन दोनों को अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाता है 3,60,000 पे माइनस हो जाएगा, नेट प्रॉफिट है 3,60,000। पहली बात बता दूं इस पूरी स्टेटमेंट का कोई रोल नहीं होगा जब हम डिसीजन मेकिंग लेंगे करेंगे। मैंने सिर्फ आपको ये बता दिया कि हमारी एग्जिस्टिंग पोजिशन क्या है। अब इसके बाद इसमें वो कह रहे हैं कि हमें एक एक्सपोर्टर मिल रहा है, एन इम्पोर्टर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया placed an order of 6,000 unit at a price of ₹30 per unit। कोई एक कस्टमर हमें मिल गया, वो कह रहा है कि मैं तुम्हारी 6,000 units और खरीद लूंगा और उसके लिए 30 रुपये के हिसाब से पेमेंट करूंगा। ध्यान रखना ये जो आप यूनिट बेचेंगे वो इसमें से नहीं बेचेंगे, अलग से बना के बेचेंगे, मतलब इसका कोई रोल ही नहीं है। वो एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे ये उसकी अपना एक अलग से वर्किंग हमें करनी पड़ेगी। 30 रुपये के हिसाब से वो सामान खरीदने के लिए तैयार है। एग्जीक्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन ऑर्डर विल रिजल्ट इन एडिशनल कॉस्ट ऑफ ₹10,000 ओवर एंड अबव द वेरिएबल कॉस्ट। और कह रहा है कि इस काम को करने के लिए, वेरिएबल खर्चा तो जो होता है वो काम के हिसाब से घटता बढ़ता है, इस काम को करने के लिए इसमें एक्स्ट्रा कोई 10,000 रुपये का खर्चा करना पड़ेगा। बस हमें बताना है कि हमें ये ऑर्डर एक्सेप्ट करना है या ये ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करना है। चलिए बात करते हैं, इसकी तो कोई रोल ही नहीं है। अब हम देखेंगे कि ये जो न्यू ऑर्डर हमारे पास आने वाले हैं 6,000 पीसेस जो हम न्यू रिसीव करने वाले हैं उसके साथ हमारी क्या वर्किंग होगी। सबसे पहले यहाँ पर सेल्स कितनी अचीव हो पाएगी, वो हमें कितने पेमेंट करेगा, वो हमें सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करेगा और 6,000 पीस खरीदा तो इससे हमारी सेल्स वैल्यू हो जाएगी ₹1,80,000। कैसे कैलकुलेट की जा रही है उसकी वर्किंग मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ये हो जाएगी 6,000 × 30 करने से ये अमाउंट आएगा। चलिए उसके बाद मटेरियल, मेटल तो ऑब्वियसली आपका 10 रुपये के हिसाब से लगेगा और 6,000 पीसेस के अंदर अगर मटेरियल की बात करें, यहाँ पर इसको मैं लिख देता हूँ, यहीं पर हो सकती थी बात, ये 60 और ₹30 और इसको नाम देते हैं तो ये वर्किंग यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। चलिए हाँ जी, यहाँ पे हमारे को क्या लिखना पड़ेगा, मटेरियल। मटेरियल 10 रुपये के हिसाब से 6,000 पीसेस में कितने का मटेरियल लगेगा, 60,000 रुपये का। 7 रुपये के हिसाब से वेरिएबल लेबर कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 42,000। फैक्ट्री के एक्सपेंस 4 रुपये के हिसाब से कितने के लगेंगे, 24,000 और ये वेरिएबल खर्चा भी काम के हिसाब से घटता बढ़ता रहेगा, ₹18,000।
टोटल हमारा वेरिएबल एक्सपेंस कितना हो गया, 60,000 प्लस 42,000 प्लस 24,000 और प्लस 18,000, ये फिगर आ रही है 1,44,000। अगर मैं माइनस करूँ 1,80,000 में से, मेरे को 36,000 रुपये का इसके अंदर सेविंग हो रही है। फिक्स एक्सपेंस ध्यान रखना, अगर होंगे यहाँ पे एक्स्ट्रा तो लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे तो उसने बोला है कि भैया हमारा इस काम को करने पर एक्स्ट्रा खर्चा सिर्फ कितना लगेगा, 10,000। तो ये खर्चे यहाँ पर यूनिट के हिसाब से नहीं लिखे जाएंगे, क्योंकि ये खर्चे दोबारा इस काम को चेक करें या ना करें ऑलरेडी हमारे कवर हो चुके हैं, लेकिन इस काम को करने में हमारा 10,000 रुपये का जो खर्चा है वो तो हमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। डिसीजन लेंगे तो करेंगे, नहीं डिसीजन लेंगे तो नहीं करेंगे। तो जो भी इस डिसीजन से रिलेटेड हमारे खर्चे सिर्फ उन्हीं को प्लेस किया जाएगा और इसको लेस कर दे तो प्रॉफिट हमारा 26,000 रहेगा, जबकि वो हमें काफ़ी कम पैसे दे रहे हैं। और अगर आप यहाँ पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे तो आपकी कॉस्ट पर यूनिट काफ़ी ज़्यादा आएगी, 30 रुपये से ज़्यादा आएगी, लेकिन इवन देन ये काम करने से हमें 26,000 रुपये का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो टोटल प्रॉफिट हमारा 360 रह जाएगा, और अगर हम काम करेंगे तो 360 तो हम कमाएंगे साथ में 26,000 और एक्स्ट्रा कमाएंगे। तो सीधी सी बात है कि ये इसमें कोई रोल प्ले नहीं कर रहा, हमें जो डिसीजन लेना है वो एक्सक्लूसिवली जो न्यू ऑर्डर है उसके प्रॉफिट जनरेटिंग पावर के ऊपर लेना है। अगर ये इनकम ज़्यादा है तो एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज रिजेक्ट करेंगे, और फिलहाल इस क्वेश्चन में हम इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेंगे। क्लियर है, कंप्लीट है।